जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ और वैंग डोंग ने यूनिफिकेशन टेक्निक को सीख लिया था और उनकी लड़ाई अब अपने से ज्यादा ताकतवर टीम के साथ हो रही थी और उस टीम की टीचर ने भी टीचर जू के साथ बेट लगा दी थी कि किसकी टीम जीतेगी। ओपोनेंट टीम में दो अटैक टाइप के और एक सपोर्ट टाइप की सोल मास्टर है और सपोर्ट टाइप के सोल मास्टर के पास कीबाओ एम्बर पगोड़ा है जो कि लेवल 31 पर है। निंग तियांग एक लड़की है और ये निंग डोंग डोंग और ऑस्कर की वंशज है। ये काफी ताकतवर है और ये बाकी दोनों लड़कियों को अपने कीबाओ एम्बर ट्राइब से सपोर्ट कर रही है। यूनर अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग जिसका नाम रेड ब्लेड है उसका यूज करती है और यू हाओ पर हमला करती है, लेकिन सिया वहाँ आकर उसे बचा लेती है और फिर यू हाओ खुद अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक जिसका नाम शेयर घोस्ट रिकॉग्निशन है उसका यूज करके उसके मूव्स को लोकेट करके डॉच करने लगता है क्योंकि उसके आसपास सब स्लो हो जाता है और वो वहाँ से बचने लगता है। यूनर की मेन स्ट्रेंथ उसकी स्पीड में है, लेकिन यू हाओ की माइंड टेक्निक की वजह से उसकी स्पीड यू हाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। वो फैंग नाम की दूसरी लड़की वैंग डोंग से लड़ रही है और वो भी अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम ड्रैगन फायर है उसका यूज करती है और वैंग डोंग पर हमला करती है। वैंग डोंग भी अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम विंड कटर है उसका यूज करके उस पर अपने पंखों से हमला करता है। उनमें आइकॉनिक लेवल की कॉम्बैट फाइट चलने लगती है जिसमें वैंग डोंग ही जीतता है। निंग तियांग तुरंत उनको यू हाओ पर हमला करने को कहता है क्योंकि वो ज्यादा डॉज नहीं कर पाएगा, इसलिए यूनर फुल ताकत के साथ यू हाओ पर हमला करने लगती है और फिर अपनी सेकंड स्प्रे टेक्निक जिसका नाम रेड स्क्रैचेस है उसका यूज करती है। ये रेड स्क्रैचेस यू हाओ को मारने के लिए आगे आ रहे थे जिसको सियाओ अपने पॉट से नलीफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रेड स्क्रैचेस टारगेट को लोकेट करके उस पर हमला करते हैं और बीच में ऑब्स्टिकल आने पर उसे बच भी जाते हैं। ये स्क्रैचेस हवा में स्पिन रोटेट कर सकते हैं और जब तक यूनर की माइंड टेक्निक है ये रेड स्क्रैचेस ओपोनेंट को लगकर ही रहेंगे। यू हाओ इन रेड स्ट्राइप से बचने के लिए डॉज करने लगता है, लेकिन वो भला कब तक ऐसे ही डॉज करता रहेगा, इसलिए वो तुरंत अपनी फर्स्ट स्प्रे टेक्निक जिसका नाम घोस्ट अटैक है उसका यूज करता है और तुरंत निंग तियांग पर हमला कर देता है जिससे कुछ सेकंड्स के लिए निंग तियांग के बहुत तेज सर में दर्द हो जाता है और यूनर की बार कमजोर हो जाती है और उसके रेड स्ट्राइप्स कमजोर हो जाते हैं जो फिर खत्म भी हो जाते हैं। वैंग डोंग भी ड्रैगन फायर के अटैक का अब मुकाबला करने लगता है क्योंकि पीछे से सपोर्ट खत्म हो गया था और वो यूनर को धक्का देकर पीछे धकेल देता है। फिर वैंग डोंग सेकंड स्प्रिट टेक्निक जिसका नाम बटरफ्लाई गॉड लाइट है उसका यूज करता है जिससे आसमान में बहुत सारी लाइट निकलकर यूनर पर गिरने लगती है जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो वही बेहोश सी हो जाती है। वो फैंग वहाँ आकर निंग तियान को संभालती है। निंग तियान अब स्टेबल होकर अब सारा सपोर्ट वो फैंग को देता है क्योंकि यूनर तो बेहोश है। फर्स्ट पार्ट सेकंड स्पीड थर्ड घोस्ट अटैक्स को वो उसके बूस्ट कर देता है और अब यू हाओ को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बचे, लेकिन तभी वो अपने सीक्रेट वेपन का यूज करने का डिसाइड करता है। वो सियाओ को तुरंत उसके और वैंग डोंग के आसपास कवरिंग क्रिएट करने को कहता है ताकि कोई उन्हें ना देख पाए। सियाओ तुरंत अपने पॉट से उन दोनों के आसपास बहुत बड़ी कवरिंग क्रिएट कर देती है और उस कवरिंग के अंदर वो दोनों यूनिफिकेशन टेक्निक को उसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो फैंग इस कवरिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर से सियाओ उसको ऐसा करने से रोक दे रही है, इसलिए वो फैंग तुरंत ड्रैगन फायर का यूज करती है और सियाओ पर हमला करती है। ज़ियाओ अपने पॉट से उस पर काउंटर अटैक करती है और उनके अटैक आपस में टकराने ही वाले होते हैं कि तभी अंदर से यू हाओ का घोस्ट अटैक आता है जो सीधे निंग तियांग को लग जाता है जिससे निंग तियांग को फिर से सर में दर्द हो जाता है और वो फैंग की ड्रैगन फायर कमजोर पड़ जाती है जिससे वो भी दूर पटक दी जाती है। अब ये दोनों भी नॉकआउट हो चुके हैं। वो फैंग निंग तियांग को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो बेहोशी पड़ी है। अब यू हाओ की टीम जीत जाती है। इनकी टीचर मोजिन अपनी हार से बौखला जाती है और टीचर जुओ से कहती है कि आखिर ये किस तरह तुम्हारे अजीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिफिकेशन टेक्निक क्रिएट तो की लेकिन अटैक सिंपल वाला ही किया, जिस पर टीचर जुओ कहती है कि वो असली मॉन्स्टर हैं, लिटिल मॉन्स्टर हमारी श्रेक एकेडमी से। यही दर्जा श्रेक डेविल मॉन्स्टर यानी तांग शेंग की टीम को मिला था। होस्ट यू हाओ की टीम को विनर घोषित कर देती है और पूरी ऑडियंस यू हाओ की टीम के नारे लगाने लगती है।
अब जाते वक्त जियाओ पूछती है कि कोई तुम्हें क्यों ना देख पाए, जब तुम वो टेक्निक यूज करो तो तुमने मुझे कवर करने को क्यों कहा और निंग तियान अचानक से बेहोश कैसे हो गया था। इस पर वो दोनों उसे कुछ नहीं बताते और फिर तभी पीछे टीचर जुओ उन्हें अपने ऑफिस में आने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ निंग तियांग की टीम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अपने से कमजोर टीम से कैसे हार गए, खासकर वो फेंग को तो बहुत ज्यादा। लेकिन निंग तियांग उन्हें शांति से काम लेने को कहती है कि अपने गुस्से को ऐसे वेस्ट मत करो, ये श्रेक एकेडमी है और चाहे हमने अपनी फैमिली से पावर्स को हार्नेस किया हो, फिर भी हम यहाँ के मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हैं। हमें जो ये ह्यूमिलिएशन मिला है, हमें खुद ही इससे साफ करना होगा। वू फेंग के मन में अब हमेशा के लिए यू हाओ और वैंग डोंग के खिलाफ नफरत आ गई है। वही यू हाओ अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक के बारे में सोच रहा था और ये दोनों अभी टीचर जुओ के ऑफिस में टीचर जुओ के आने का वेट कर रहे हैं। यू हाओ कहता है कि टीचर जुओ मेरी गार्डियन स्पिरिट और मेरी स्पिरिट टेक्निक्स को जानती है, उनकी थियोरेटिकल नॉलेज भी काफी ब्रॉड है और वो हमें यूनिफिकेशन टेक्निक में गाइड कर सकती है, इसलिए हम चलो पहले उनके आने तक स्पिरिचुअल पार को रिगेन कर लेते हैं। वो दोनों फिर हाथ मिलाकर पार को गेन करने लगते हैं और शाम से अब रात हो जाती है और वहाँ फिर टीचर जुओ भी आ जाती है, जिस पर वो कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम स्पिरिट गार्डियन यूनिफिकेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मैंने आज तुम्हें पहली बार इसे यूज करते देखा। तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट परफेक्टली यूनाइट हो रही है और उसकी पार जैसे जैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाएगी वैसे वैसे उसकी भी पार बढ़ेगी। वैंग डोंग पूछता है कि परफेक्टली यूनाइट होने से क्या होता है, जिस पर टीचर बताती है कि अगर परफेक्टली यूनाइट तुम्हारी स्पिरिट्स हो जाती हैं, तो गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक की बार बहुत बढ़ जाती है, जिस पर अब यू हाओ उनसे कहता है कि उन्होंने आज कोशिश किया गार्डियन यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करने का, लेकिन वो इसे क्रिएट नहीं कर पाए। हम पैनिक में आ गए थे और इस वजह से मेरी स्पिरिचुअल टेक्निक एक्टिवेट हो गई, जिससे मेरी घोस्ट टेक्निक की अटैक पार बढ़ गई और वो जाकर सीधे निंग तियांग को लगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? जिस पर टीचर बताती है कि तुम्हारी गार्डियन यूनिफिकेशन टेक्निक तुम्हारी अपनी गार्डियन स्पिरिट की पार को भी बढ़ा देती है। ये बहुत अजीब चीज है, गार्डियन स्पिरिट को यूनाइट होने में 7 दिन लगते हैं, इसलिए तुम आज इसे इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हें ये बनाए 3 से 4 दिन ही हुए हैं, इसलिए अब तुम इसे डेली प्रैक्टिस करो ताकि तुम इसे यूज टू हो जाओ। जब तुम धीरे धीरे इसके यूज टू हो जाओगे, तब क्रिएट करने में जो डिले आता है वो कम होता जाएगा। जिस पर जब यू हाओ पूछता है कि ये डिले बिल्कुल हट कब सकता है और कब हम अपने मन मुताबिक इसको यूज कर सकते हैं, तो टीचर जुओ कहती है कि ऐसा सिर्फ लेवल 70 के बाद हो पाता है, लेकिन अगर किसी की गार्डियन स्पिरिट बहुत अच्छे से यूनाइट हो रखी होगी तो उनके केस में एक्सेप्शंस आ जाते हैं। अब वापस वो अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में वो इसका नाम हाओ डोंग स्ट्रेंथ रखते हैं। अब रेस्ट लेने के बाद अगले दिन उनका मैच और भी पावरफुल टीम के साथ फिक्स होता है और यहाँ अब पूरी श्रेक एकेडमी का दिन भी आया है। इनका नाम एल्डर जुआन है और ये हमेशा खाते रहते हैं। वो यहाँ की कंडीशन पूछते हैं, जिस पर टीचर जुओ बताती है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका हार्ड वर्क उनकी श्रेक एकेडमी का असली मॉन्स्टर बता सकता है। टीचर जुओ बहुत ज्यादा ताकतवर टीचर है और बहुत अच्छी उन्हें ट्रेनिंग स्किल्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो आउटर कोर्ट में रहकर बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिस पर डीन कहता है कि अगर तुम इनर कोर्ट में आ जाओगे तो तुम्हारे स्टूडेंट्स बैंग हाओ डॉलो भी बन सकते हैं, लेकिन टीचर जुओ अभी भी उनसे मना कर देती है। असल में टीचर जुओ घोड़ों को और अच्छा घोड़ा नहीं बनाना चाहती, बल्कि वो बच्चों की नींव सुधार कर उन्हें बेहतर बनाना चाहती है बचपन से, इसलिए वो क्लास 1 की टीचर बनी हुई है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।